जब तक नए बॉल से विकेट नहीं मिलेगी भाई कुछ भी नहीं होगा इस विकेट पे। ओ उसामा मीर, तुम्हारे लिए हम बोल बोल के थक गए कि उसामा को खिलाओ उसामा को। और तुम लोग सारे T20 के बॉलर हो। अगर आप लोगों में शर्म नहीं है ना, तो मैं कुछ नहीं अब आप लोगों को बोल सकता, क्योंकि शर्म का मुकाम है, इससे ज्यादा शर्म मतलब कभी हो नहीं सकती। अफगानिस्तान की टीम जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आई है, इस पाकिस्तान टीम को उसने वक्ता ही डाला है। चाहे आप 7 मैचेस इनसे जीते हो, चाहे कोई कितने कोई मैचेस भी जीते हो, जब भी चाहे T20 खेलो कोई भी, हर दफा मर मर के इन लोगों से जीते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत आराम से हम इन लोगों से जीते। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता यार। इस टीम को बार बार सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं उसामा को खिलाओ, फलाने को खिलाओ, इमाम को फारिग करो, उसको लेके आओ, फास्ट बॉलिंग बेकार है, वो सही करो, स्पिन अच्छा नहीं है, उसको सही करो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। फिटनेस लेवल देख लो ना, लड़कों से भागा जा रहा है ना, एक जगह पे गेंद हो रही है भाई। डिहाइड्रेशन दूसरों को भी है क्या? आपके लिए क्या हम अब इंग्लैंड का वेदर लेके आए? मतलब क्या -10 में अब आप लोगों को क्रिकेट खिलाएं कि आप लोगों को पसीना ना आए और आप लोगों को क्रैम्प्स ना पड़े? यार पूरे मैच मैं टेक्निकल चीजों के ऊपर अब बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आज की क्रिकेट हमारी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल ली है, शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। उनके स्पिनर्स, चार चार स्पिनर्स, उन्होंने हमें मुश्किल डाली हुई यार। उनकी बॉलिंग तो देखो, उनके स्पिनर्स एक जगह पे बॉल कर रहे हैं यार, एक जगह से हट ही नहीं रहे। वो बाबर आजम को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसने 74 रन्स की इनिंग खेल दी, उसने अब्दुल्ला शफीक ने 50 रन 58 रन की इनिंग खेल ली, नीचे से आके शादाब ने और इफ्तखार ने रन कर दिए, तब जाके आपके इतने रन्स हुए हैं। और इफ्तखार और शादाब ने जो नीचे से रन्स किए हैं वो तो चलो फास्ट बॉलर्स पे किए हैं, बाबर अगर बीच में आउट हो जाता तो आपसे इतने रन्स भी नहीं होने थे। वो यार उन लोगों से क्रिकेट सीखो, हम ऐसी तुरम खान बने हुए हैं। तो सही कहते हैं ना लोग यार, हमारी ना फास्ट बॉलिंग किसी काम की है, थर्ड क्लास फास्ट बॉलिंग है हमारी, स्पिनर भी थर्ड क्लास स्पिनर्स हैं। पूरे मैच में यार इस विकेट पे 283 का टारगेट एक मायने रखता है। 283 का टारगेट अफगानिस्तान की टीम चेज करने जा रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं, या इंडिया नहीं, पूरे मैच में उन्होंने डोमिनेट किया। कोई एक टॉस होने से लेकर, मैच का पहला बॉल होने से लेकर खत्म होने तक, एक जगह मुझे बता दो कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया हो, पाकिस्तान ने प्रेशर में डाला हो। हारते तक यार आरिस रऊफ, यार क्या बॉलिंग कर रहे हो? तुमसे इस वजह से बॉलिंग नहीं होती क्योंकि तुम T20 के बॉलर हो, तुम वनडे के बॉलर नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑफ स्टंप से बगैर क्या तुम्हारे लिए 25-25 विकेटें लगा दें क्या? ये स्टंप्स है तुम्हारी, 25 विकेटों स्टंप्स है, इनमें गेंद करो। तुम्हें क्या नजर आ रहा है ऑफ स्टंप से बाहर? यार तुम किधर बॉलिंग कर रहे हो ऑफ स्टंप से बाहर? किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। जब तक नए बॉल से विकेट नहीं मिलेगी भाई कुछ भी नहीं होगा इस विकेट पे। और जिस विकेट पे स्पिनर्स, वो उसामा मीर, तुम्हारे लिए हम बोल बोल के थक गए कि उसामा को खिलाओ उसामा को खिलाओ। और तुम लोग सारे T20 के बॉलर हो, सारे तुम लोग T20 के बॉलर हो। तुम लोगों का काम नहीं है, बस्ता अपना बंद करो और जाओ घर। यार हमारी जान छोड़ो, छोड़ो हमारी जान। तुम लोग इस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है? अब ये मुझे कोई नहीं बोलना कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को भी हरा दिया है। ओ भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये तो शुक्र करो पहले कुछ 2 मैचेस में नसीम शाह ने फारूकी को छक्के मार के मैच जितवा दिया, नहीं तो
वो भी हार चुके थे आप लोग मैचेस। फुल टॉस है, उसामा मीर दिए जा रहा है, शादाब मुंह पे कर रहा है, पीछे कर रहा है। ओ भाई वो तो इस तरह बैटिंग कर रहे थे जैसे पता नहीं वो कोई पाकिस्तान की टीम है और हमारी जो अफगानिस्तान की टीम है, और हंसी जा रहे हैं, दांत निकाली जा रहे हैं, मिस फील्डिंग किए जा रहे हैं, कोई फिक्र फाका नहीं है। ओ भाई इंडिया चले गए, क्या इंडिया जाके क्या पागल हो गए हो तुम लोग? मतलब इतने पागल हो गए, वो इंडिया चले गए जी, बस कभी इंडिया कोई जा ही नहीं सकता था, हम लोग चले गए इंडिया। क्या खा पी रहे हो ना वहां पे, क्या कर क्या रहे हो ना? तुम लोगों से भागा जा रहा, ना तुम लोगों से बॉलिंग हो रही, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, किधर है तुम्हारा डेटा? और वो मिकी आर्थर ड्रेसिंग रूम में बैठा, शक्लें बनाई जा रहा, और तू तेरा काम ही नहीं है, तुझे रखा वही गलत है इन्होंने। तू पाकिस्तान की टीम के साथ तो होता ही नहीं, तू तो इंग्लैंड बैठा हुआ होता है। क्या बोले तुम लोगों को यार, ये जो सर्किल में बॉलिंग की गई है उस सब उसकी वजह से हो। उसके बाद वो इमाम साहब की बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें इस तरह करता है जैसे इससे बड़ा कोई मैथ्यू एडन है ही नहीं, कोई इंग्लिश झाड़ झाड़ के बड़ा अपने आप को वो समझता है। वो भाई करके दो ना, किसी दिन तो कुछ करके दो। आज भी अब्दुल्ला शफी की रन की शॉटें मारता रहा, कितनी शॉटें मारी तुमने वो क्रीज के अंदर? क्या तुमने समत बोल्ड लगाई हुई है? वहां से निकलता ही नहीं हो तुम। 22 बोलों पे 17 रन बना के आउट होके चला गया, वजन तो चेक करो तुम अपना, इतने भारी होते जा रहे हो। तुम्हारे घर की टीम है, तुम्हें फिक्र ही नहीं किसी चीज की कि यार रन करने हैं, टीम के लिए खेलना है, कभी तो तेज खेलो, कभी तो डाउन द मिडल के खेलो। उधर ही चिपका हुआ खेली जा रहा, हर बॉल को निकलता ही नहीं आगे, 3 दफा पीछे की बॉल पे आउट हो गए हो। क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? वजन इतना है, जाहिर पे तो घूमा ही नहीं जाता तुमसे, गेंद आ जाता तुम्हारे पास तुम फिर घूमते हो, तो कहां से बल्ले पे तुम्हारे गेंद आएगी? टॉप एज लगेगा या सीधा मिड विकेट के हाथ में जाएगी? उन्होंने हमें पागल किया हुआ था स्पिनर बॉल कर करके। वो नूर आके 3 आउट कर गया, एक जगह पे सिर्फ किए जा। ओ भाई दुनिया कह रही है, सारे कमेंटेटर कह रहे हैं एक जगह पे बॉल करो, एक जगह पे बॉल करो। हारिस रऊफ तो लगता है इतनी क्रिकेट इसने खेली है, इसको तो सर्किल में गेंद ही नहीं करनी आती। सर्किल में गेंद क्या नहीं करनी आती, ये सारे T20 के बॉलर हैं, तभी तो हम मार खाते हैं। डोमेस्टिक से कोई लड़का ही नहीं उठा के लाते हम, PSL से परफॉर्म करते, उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। ओ भाई तुम लोगों के अंदर शर्म नहीं है? मेरे अंदर बहुत शर्म है भाई, जिस तरीके से तुम लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली है। और क्रेडिट देता हूं अफगानिस्तान को, मैं क्रेडिट 100% क्रेडिट देता हूं अफगानिस्तान को, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, बेशक आखिरी ओवर में जाके उन्होंने बनाए रन या जो भी किया उन्होंने, उनकी एफर्ट देख रहे थे, वो जीतने के चक्कर में थे सिर्फ। आप जब भी इनके खिलाफ खेलोगे ना, थल्ले लग के ही खेलना, हमेशा हमेशा थल्ले लग के खेलना यार। टीवी पे बैठ के कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा, वो बाकी लोग कहते हैं नहीं कैसे जीत जाएगा, हमारी बॉलिंग ही थकी हुई। ओ भाई अगर ऐसी टीमों के खिलाफ थकी हुई क्रिकेट खेलोगे तो भाई बोरी पुत्र बंद करो, हमारी जान छोड़ो और घर जाओ, फेंटा लगना भागे देखना। तुक्के में बॉलिंग करते हो अच्छे, तुक्के में अच्छी बॉलिंग बैटिंग कर जाते हो, बस सिर्फ तुक्के में खेलते हो तुम लोग क्रिकेट। जिस दिन तुम्हारा तुक्का लगता है तुम उस दिन अच्छी क्रिकेट खेल लेते हो, जिस दिन तुम्हारा तुक्का नहीं लगता तुम ऑर्डिनरी क्रिकेटर लगते हो, सिवाय कुछ प्लेयरों के। वर्ल्ड कप खत्म होता है, क्या करोगे अब? कितने मैचेस जीतोगे? ये जो मैच हार रहे हो क्या इसके बाद कोई जादू की छड़ी है तुम लोगों के पास कि तुम लोग कर करा के मार मूर के आ जाओगे सेमीफाइनल में? क्रिकेट अच्छी खेलोगे तो कुछ जीतोगे ना? पका के रख दिए तुम लोगों ने यार, कहीं तो दिमाग को रिलैक्स दे दो, कहीं तो बोलो हाँ यार। वो सही कहते हैं ना लोग, फिर थकी हुई टीमों को मारते हो, थकी हुई टीमों के खिलाफ रैंकिंग में पहले नंबर पे आते हो, अच्छी टीम में आएंगे तुम लोगों से ना तुम्हारा गेंद पहुंच रहा है ना तुम लोगों से बैटिंग हो रही है। और अभी यहां से मैच हार के
जब दूसरी सिटी जाएंगे, खैर अगला तो इधर ही है, कहीं दूसरी सिटी जाएंगे, इनका बसों से उतरना देखा करो सिर्फ, ये चश्मे लगे, ये वॉकमैन तकिए हाथ में पकड़े हुए, ऐसे चौड़े होके चल रहे होते हैं जैसे पता नहीं ये कोई सेमीफाइनल पहुंचने के लिए बस 5 मैचेस में से एक मैच जीतना है, बस ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ऐसे चौड़े होके चल रहे होते हैं जैसे पता नहीं बड़े कोई पहाड़ खोद के आए हुए ये लोग, और जिस टीम की कोई रैंकिंग ही नहीं है उस टीम से मैच हार रहे। तो पाकिस्तान टीम से ये थर्ड क्लास किस्म का जो हेड कोच और डायरेक्टर रखा हुआ है, इससे तो अच्छा है तो फिर वो जोनाथन ट्रॉट है जो अफगानिस्तान का कोच है, वो तो इनसे भी अच्छा है फिर, कम से कम उसकी टीम वर्किंग करते हुए, काम करते हुए, अच्छा खेलते हुए परफॉर्मेंस देते नजर तो आ रही है। उसने इंग्लैंड को भी हरा दिया और तुम लोगों को भी हरा दिया। मतलब मैंने इससे बुरी, और ये वो हमारी बॉलिंग लाइन है वर्ल्ड कप से पहले, और जी दुनिया की बड़ी टॉप की फास्ट बॉलिंग लाइन है, अब नसीम शाह को रोते रहो बस, ओ जी नसीम नहीं है तो वो भी होता, वो भी पता नहीं मार खाता क्या करता कोई पता नहीं, वो भी होता तो यही हाल होना था। फिर किसी और को रोते, ओ जी वो नहीं होता, वो था तो ये नहीं था, वो नहीं था, अब फखर जमान नहीं है उस पर रोने लग जाना, फखर जमान नहीं है तो हमारा ओपनिंग स्टैंड बेकार हो गया, हमारा फलाना बेकार, किस किस को बोलोगे, क्या क्या बोलोगे, सबको तो खिला दिया हमने, जिन जो बाहर बैठे थे उनको भी बोल बोल के वो खेल ही गए, क्या किया उन्होंने, कोई तीर नहीं मारा, कोई उसामा मीर शादाब वापस आए, बैटिंग वैटिंग को छोड़ो भाई, तुम्हारा काम बॉलिंग है, कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं है, थर्ड क्लास बॉलिंग है, ना टांगों में जान ना कुछ, ना एक जगह पे बॉल किए जा रहे हो, करो तो सही एक जगह पे बॉल यार, शर्म आनी चाहिए यार। वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये देखो, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बना दिए, जिसको मैच नहीं जीना चाहिए तो सबसे ज्यादा रन बना के, और वो भी किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके खिलाफ तो वैसे ही कहते हैं इनको मारो, इनसे जीतना ही जीतना हर हालत में मैच हमने, और वो उन्होंने हरा दिया। बंद करो ये किट बैग, जाओ घर, तुम लोगों का काम नहीं है, अल्लाह हाफिज़।